नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज मुख्यमंत्री निवास पर सलकनपुर देवी लोक महोत्सव के दौरान देवी मंदिर सलकनपुर से चार चांदी की चरण पादुका मुख्यमंत्री निवास पहुंची, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साधना सिंह, कार्तिकेय सिंह के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। ईवा एक सीला इट स्वास्तिक लगाकर सलकनपुर देवी धाम के महंत प्रभु दयाल शर्मा को भेंट की। चरण पादुकाओं की मुख्यमंत्री भाभी कार्तिकेय सिंह ने सिर पर रखकर रथों पर स्थापित की। मुख्यमंत्री ने रथों को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया और यह चारों रथ बुधनी विधानसभा के प्रति एक ग्राम में जाएंगे, जहां से सभी लोग पूजन करेंगे एवं हर घर से एक सीला ईट भी पूजन कर दी जाएगी, जो देवी लोक निर्माण में काम आएगी। आज के कार्यक्रम में बुधनी विधानसभा के पंडित पुजारी महंत को बुलाया गया तथा उन्हीं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह रथ 31 मई को देवी धाम पहुंचेगा, वहां विशाल कार्यक्रम के साथ देवी लोक का भूमि पूजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और गांव-गांव में जैसा कार्यक्रम अभी कुछ सांसद जी आपको बता रहे थे, वो सारा कार्यक्रम गांव-गांव में होगा। 28 तारीख तक ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। जो आपके गांव की शिला पूजन करके आप भेंट करेंगे, वो फिर सब मंदिर के परिसर में लाई जाएगी और 29, 30 और 31 मई माँ के मंदिर में, मंदिर के परिसर में अलग अलग उत्सव का आयोजन होगा। वो सारे उत्सव आपको बताएंगे, मैं दोहराना नहीं चाहता। हमारे 29 तारीख को कलश पूजन, कलश एवं पूजा की थाली सजाओ रंगोली प्रतियोगिता, मिट्टी के दिए सजाओ प्रतियोगिता, महिला भजन मंडल द्वारा भजन और बहनों के भजन मंडल भी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे उनको उपहार भी, ये उपहार की राशि मैं बदल रहा हूं कलेक्टर साहब, 21,000 नहीं, प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपए का दिया जाएगा, द्वितीय 51,000 का दिया जाएगा और तृतीय 25,000 का दिया जाएगा। बिना आईडी लेते भाई साहब पूरा वितरण जी बोले भाई, एक एंगल बना लेंगे। चलो हाँ ले लो। आज पूरे प्रदेश के लिए आनंद का विषय है। देवी महालोक जहां मैया की कृपा बरसती, विजयासन मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, जो अत्यंत सिद्ध क्षेत्र है, वहां मैया की इच्छा से ही, उन्हीं की कृपा से देवी लोक निर्मित हो रहा है। देवी लोक अद्भुत बनेगा। देवी लोक में मुख्य मंदिर के साथ साथ नवदुर्गा, 64 योगिनी और मां से संबंधित बाकी विशेष चीजें निर्मित की जाएंगी, लेकिन मंदिर बनाने के लिए, देवी लोक बनाने के लिए जनता की इच्छा थी कि हम भी देवी लोक बनाने में एक ईंट अपनी लगाएं, इसलिए सबने मिलकर ये योजना बनाई के गांव-गांव में उस क्षेत्र के और आसपास के ये रथ जाएंगे, मैया के चरणों की पूजा होगी और अपनी एक शिला की पूजन करके, शिला मतलब ईंट, श्रद्धालु फिर भेंट करेंगे कि देवी लोक में हमारी भी एक ईंट लग जाए। आज यहाँ पूजा अर्चना करके हमने भी सपरिवार एक शिला मैया के चरणों में समर्पित की है और अभी अभियान 16 से लेकर 28 तारीख तक चलेगा। 29, 30 और 31 मई को विभिन्न कार्यक्रम, भजन होंगे, धर्म से संबंधित बाकी कार्यक्रम होंगे और 31 को
शिला पूजन भी होगी, भजन संध्या भी होगी, भोजन भंडारा भी होगा, आनंद की वर्षा होगी और देवी लोक का निर्माण का काम उसके बाद प्रारंभ होगा। इसके पीछे की परिकल्पना क्या है, क्योंकि आप निश्चित रूप में लंबे समय से विजय सम धाम जाते रहे हैं, नवमी की पूजा आप करते हैं, पर जो इस समय लोक बन रहा है, मैया की कृपा सब पर बरसे, लेकिन मैया के चरित्र को एक बार मंदिर के परिसर में भ्रमण करें।